हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाकल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम आगे शुरू करेंगे, हमारे पास एक्सरसाइज हमारी 11.1 का, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस करेंगे हमारी क्लास 9th का, ठीक है, रचना चैप्टर जो हमारा, इसके अंदर हम पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको मार्कर की हेल्प से बनाने सिखाए थे कि किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को बनाएंगे, और प्रैक्टिस आपको खुद करने के लिए कहा गया था। ठीक है, आप सभी ने बनाने की कोशिश की होगी कोनों को, क्योंकि 11.1 में हमने पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं इसकी रचना के बारे में, और इसकी पुष्टि कहें या औचित्य कहें या वेरिफिकेशंस कहें या जाँच कहें, वो हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने उन्हीं क्वेश्चंस को सिंपल बनाना ही सीखेंगे कि किस तरीके से आपने प्रकार पेंसिल की हेल्प से इनको बनाना है। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला ही क्वेश्चन देखें, इसके अंदर आपको क्या कह रहा है अकेला हूँ, इसमें उन्होंने कहा है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। ठीक है, बाकी सारा काम हम कर चुके हैं, हम प्रकार पेंसिल से बनाना यहाँ सीख रहे हैं। आप क्या करेंगे, जनरल आपने एक लाइन खींची, ठीक है, एक लाइन खींचने के बाद आपके पास क्या चीज़ है, आप इस लाइन पर 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर प्रकार का नुकीला सिरा रखेंगे और यहाँ से हम प्रकार की एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। अब देखेंगे, ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं, अपने प्रकार की चाप लगा देनी है। चाप लगाने पर हमारे पास यहाँ आपके पास जहाँ ये प्रकार कटी है, यहाँ से आप पहली चाप काटेंगे, ठीक है, यहाँ से आपकी पहली चाप कटती है। ठीक है, जो ये पहली चाप कटेगी ये हमेशा 60 डिग्री के कोण की होगी। इसके बाद इस चाप के ऊपर रखकर आप, ठीक है, दूसरी चाप लगाएंगे, वो हमेशा 60 प्लस 60 120 डिग्री की हो जाएगी, क्योंकि एक सिंगल चाप आपके पास पूरे वृत्त को ही 6 बिंदुओं के अंदर कवर करती है। ठीक है, और 6 बिंदुओं में कवर करने के कारण हमारे पास क्या है, आपकी जो पूरी वृत्त है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब 360 डिग्री। 360 को हम 6 से भाग कर दे तो 60 हो गया, तो मतलब एक चाप के अंदर आपका 60 डिग्री का कोण कवर होता है। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो इसी बिंदु पर रखते हुए हम, ठीक है, ऊपर की तरफ उतनी ही प्रकार को, कम ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं होती, हम प्रकार को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हमारे पास, ठीक है, चाप लगा देंगे। ऐसे ही हम फिर हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ से चाप लगाएंगे। ठीक है, अब चाप लगाने के बाद आपके पास जो भी ये दोनों चाप, ठीक है, इनको आप नाम देंगे सभी को कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए आपको ने इसको रेखा को नाम ए बी दे दिया, ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु को आप सी नाम दे दें, इस बिंदु को डी नाम दे दें, इसको ई नाम दे दें, ये दोनों जहाँ आपस में मिल रहे हैं इसको बिंदु एफ नाम दे दें आप। ठीक है, वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम क्या नाम देना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को, ए और एफ बिंदु को मिलाते हुए हमारे पास एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, जैसे हमने ये रेखा खींच दी, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण हो गया हमारा। और रचना आपको जैसे मैंने पीछे पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, अब भी अगर आप ध्यान दें, जैसे जैसे आपने बनाया है उसी ढंग से इसको लिख देना, ठीक है, वही आपकी रचना है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें अलग से और कोई नया काम नहीं करना आपको, सिर्फ जिस ढंग से आपने बनाया है उसी ढंग से, ठीक है, लिख देना ही आपकी रचना कहलाती है। इसके साथ ही मैं हम दूसरा क्वेश्चन पर भी बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको करना हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है हमारे पास हमारा, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना हो, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए आपको क्या करना है, 45 डिग्री का कोण का है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 डिग्री के कोण को बनाने के हमारी 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो आपके पास, हम इसी पहले क्वेश्चन से आगे चल रहे हैं, दूसरा तरीका हम आगे करेंगे, मतलब, ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रकार का जो माप है इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा खोल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा खोलने के बाद हमारे पास इस बिंदु पर रखें आप, ठीक है, मीन्स हम 0 से 90
इसको आप एक नया नाम दे देंगे, ई एफ तक आप जा चुके हैं, तो जैसे हम इस बिंदु को एक नया नाम दे देते हैं जी बिंदु हमारे पास, तो सी जी का हम समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है, सी जी कोण का हम समद्विभाजक करेंगे। इसके लिए आपने इस प्रकार को थोड़ा सा कम ज़्यादा किया था, जैसे यहाँ अपने चाप लगा लेंगे, उसके बाद जी पर रखेंगे, जी से चाप लगा लेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी कोण का जीरो के साथ ही समद्विभाजक खींचते हैं, ठीक है, तब भी आप चाहे जैसे जितनी प्रकार पहले खुली थी, आप उतनी भी प्रकार खोलकर अगर चाप काटना चाहेंगे तब भी काट सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर उतनी ही चाप खोलने की कोशिश आपको दिखाता हूँ, ये चाप थी आपके पास जितनी आपने पहले खोली हुई थी, अगर आप इतनी ही चाप खोलकर भी चाप लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपके पास उसी बिंदु पर से गुजरेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जो आपने जीरो से नब्बे प्रकार अधिक खोलकर किया था, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ रहेगा, उसमें भी, ठीक है, आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, ठीक है, हमारे पास एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, ये रेखा खींची हमने, थोड़ा लाइट कलर का मार्कर है, मैं डार्क कलर का यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है, ये हमारे पास हमारा 45 डिग्री का हो गया। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आप प्रकार उतनी ही खोल कर रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखें उतनी ही प्रकार खोले रखें आप, यहाँ से चाप लगाने की कोशिश करें, यहाँ से चाप लगाएं, ठीक है, तब भी आपके पास उतना ही आएगा, मतलब उसमें कोई भी कम ज़्यादा का चक्कर नहीं पड़ेगा कि आपकी प्रकार है, जो प्रकार है पेंसिल है वो कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसी लाइन के बिंदु में से ये गुजर रही है हमारे पास लाइन, ठीक है, ये हमारे पास 45 डिग्री के कोण को बनाने का तरीका हो गया। अब इसका दूसरे तरीका पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले कोण के बाद। अगला कोण देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करा है, 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा गया है। अब 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किस प्रकार से उस पर काम करेंगे वो देखते हैं। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए वैसे ही जैसे हमने अभी किया, हम सबसे पहले एक लाइन लेंगे हमारे पास, ठीक है, अपने लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने के बाद आप इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए आप इसको ए और बी नाम दे दें, ठीक है, फिर उसके बाद इस रेखा के ऊपर आप एक, ठीक है, चाप लगाएंगे कोण की इस तरीके से हमारे पास, देखिए अगर हमारे पास, ठीक है, ये चाप लग जाएगी आपकी। चाप लगने के बाद आपके पास यहाँ रखकर जो पहली चाप लगाएंगे वो आपकी 60 डिग्री की चाप होगी, ठीक है, ये हमारी 60 डिग्री की चाप होगी। अब हमें क्योंकि 30 का बनाना है, 30 का कोण 60 से छोटा ही होगा, तो 0 और 60 का जो समद्विभाजक आधा है वो 30 बनता है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से 0 से रखकर एक चाप इधर लगा दी और फिर 60 से एक चाप इधर लगा देंगे, ठीक है, तो जो आपके पास ये चाप बनकर आई है ये आपके पास कितने का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण आपके पास, 30 डिग्री का कोण है, क्लियर, ये हमारे लिए 30 डिग्री का कोण हो गया। जैसे इसको अगर मैं सी नाम दे दूँ, इसको डी नाम दे दूँगा और इसको ई नाम दे दूँगा, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये 30 डिग्री का कोण बन जाता है, मतलब तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग हो गया आपके पास, ठीक है। अब 30 डिग्री का कोण बना लिया हम, इसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चन पर दोबारा चर्चा करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो पर दोबारा चर्चा करते हैं। एक तरीका तो हमने ये किया था, ठीक है, अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर 90 का कोण बनाया और 0 90 का आधा कर दिया हमने, 45 डिग्री का बन गया। दूसरा तरीका हम ये कर रहे हैं, हमने 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 से हमने 0 और 60 का समद्विभाजक खींचा तो हमारे पास 30 का आ गया। अब हम 30 और 60 का समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है, आप देख भी सकते हैं, अगर आप 30 और 60 का समद्विभाजक खींचते हैं, मतलब 30 और 60 को जोड़कर अगर आधा करें तो 90 90 का आधा हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 30 और 60 का समद्विभाजक, मतलब बिंदु डी और ई का समद्विभाजक खींचेंगे, उसके लिए आप प्रकार यहाँ रखेंगे, ठीक है, एक चाप लगा देते हैं आप, ठीक, फिर बिंदु डी पर रखेंगे और चाप लगा देंगे, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों चाप आपस में कट रही हैं, ठीक है, उसको मान लीजिए, जैसे हमने इस बिंदु को हम मान ये एफ़ नाम दे चुके हैं, इस बिंदु को आप जी नाम दे दीजिए, ठीक है, जी नाम देने पर हमारे पास क्या हुआ, ये जो नई रेखा बनेगी आपके पास इस बिंदु और इस जी बिंदु,
दोनों चाप जहाँ काट रही हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा बनेगी ये आपके पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आपके पास 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए दो तरीके हो गए। एक आप जी 90 का कोण बनाकर उसकी हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप 60 डिग्री के कोण से 30 30 का आधा करके 90 का बना सकते हैं। इसमें आपके पास दोनों के अंदर ही आपके पास अलग अलग तरीके हैं, जैसा आप चाहें उसी तरीके से कोण को कम्प्लीट कर सकते हैं। आगे देखेंगे हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का सेकेंड भाग। तीसरे क्वेश्चन के सेकेंड भाग में क्या दे रहा है हमें, अगर आप देखते हैं इसमें में क्या दिया गया है, 22.5 डिग्री का कोण दिया गया। ठीक है, अब 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहला तरीका आपके पास, ठीक है, 45 के कोण का हमने आधा करना है। ठीक है, पहला तरीका हम क्या करेंगे, आपका जो ये वाला मेथड था हमारे पास 90 से हमने आधा किया 45 बनाया, और अब 45 जीरो और 45 का आधा करेंगे। ठीक है, हम जीरो और 45 का आधा करके 22.5 डिग्री का बनाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर आपके पास, आप चाहें तो उतनी ही प्रकार इसी चीज़ निकोल के रख सकते हैं, और कम ज़्यादा भी करना चाहें तो आपकी चॉइस है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजक खींचते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, लेकिन ये 60 120 ये वाली जो चाप जैसे 90 की लगानी है 45 की लगानी है, आप प्रकार को कम ज़्यादा कर लेंगे कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आपको ये 60 120 180 की चाप लगानी है, इसमें आपकी प्रकार जितना एसी है उतनी ही खुली होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं खुली होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने सी बिंदु पर रखकर चाप लगा दी। फिर अब जैसे मान लीजिए इसको अगर आपने नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ठीक है, हम ऊपर दे चुके हैं, आपके पास ई एफ जी तक हो चुका है, ये आपके पास एच बिंदु है जिसको आपने ए एच से मिलाकर 45 का कोण बनाया था। ठीक है, और इसको आपने मान लीजिए आई नाम दे दें हम, जहाँ से ये लाइन आपकी चाप से गुजर रही है। अब आई पर रखेंगे आप, ठीक है, आई पर रखने पर आपने चाप काट देंगे, चाप कट गई आपके पास, दोनों चाप जहाँ आपस में कट रही हैं, ठीक है, वो आपके पास मान लीजिए बिंदु जे हो गया। ठीक, अब बिंदु जे को और ए को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच देंगे हमारे पास। ठीक है, बिंदु जे और ए को मिलाते हुए जब रेखा खींचेंगे तो हमारे पास वो हमारा 45 जीरो और 45 का आधा होकर 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा हमारा। ठीक है, आपके पास ये चीज़ होगी। अब यहाँ से आपके पास इस कोण को हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा 22.5 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो 45 डिग्री का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, और ये आपके पास तीसरे क्वेश्चन का सेकंड भाग हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही अब हम देखते हैं हमारे पास आगे हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे भाग में क्या कह रहे हैं आपको, 15 डिग्री का कोण कह रहे हैं। 15 डिग्री का कोण करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, जैसे हमने 0 से 60 का आधा किया, ठीक है, 0 से 60 का आधा किया 30 बनाया, अब 15 हमारे पास 0 और 30 का आधा हो गया। ठीक है, तो आप 0 और 30 का आधा करेंगे तो आप पहले सी बिंदु सी पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार की चाप लगा दी आपने, फिर बिंदु ई पर रखी आपने प्रकार की दूसरी चाप लगा दी। इन दोनों चाप को मिलाने पर हमारे पास जो एक नई चाप बनी है, ठीक है, जिसको आप कोई नाम देना चाहें, जैसे हम जी तक दे चुके हैं तो एच बिंदु नाम दे देते हैं, आप ए और एच को मिला देंगे। ठीक है, ए और एच बिंदु को मिलाने पर हमारे पास देखें ये बिन लाइन आ गई, तो ये कितने के लिए होगी आपके पास, 15 डिग्री के लिए होगी। ठीक है, ये लाइन कितने की होगी आपकी, 15 डिग्री की। ये हमारे पास देखें 45 का क्वेश्चन था हमारे लिए, क्या था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था बनाने का तरीका, और ये हमारे पास 30 डिग्री तीसरे का पहला भाग था, और ये हमारे पास तीसरे का, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग है 15 डिग्री का कोण। अब 22.5 का बनाना है आपके पास। देखें हम इस क्वेश्चन में 45 का आधा जो हमने किया था पिछले भाग के अंदर, 45 का आप इस तरीके से निकाल लें उसका आधा कर दें 22.5 बना दें, या 45 का आप इस तरीके से करें फिर उसका आधा कर दें, 0 और 45 का आधा करके 22.5 बना लें। ठीक है, दो तरीके। तीसरा तरीका 22.5 का और बनाने का हमारे पास, क्या करें हम 15 और 30 का जोड़ 45 आधा 22.5 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 और 30 का आधा समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, इसके लिए आप प्रकार को चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, सही चापें नहीं लग पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रकार को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दीजिए। ठीक है, प्रकार को कम ज़्यादा करने पर आपके पास, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी, ये दोनों मिल गई हमारे पास। इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास जो हमारी नई लाइन है, ठीक है, वो आ जाएगी। आपने इन दोनों बिंदुओं को पेंसिल से मिलाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक पॉइंट पर कटती मिलेगी। यहाँ पर देखने पर आपको दो या दो से ज़्यादा यूँ लग रहा है कि कई पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आप पेंसिल से करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट साफ स्पष्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर वहाँ आपकी गलती नहीं होगी। ये आपके पास क्या आ गया,
15 और 30 का आधा 22.5 डिग्री, ठीक है, मतलब तीसरे क्वेश्चन का आपके पास दूसरा भाग हो गया, क्लियर। इस तरीके से आपको कोण बनाने के लिए कहे गए हैं इनके अंदर, ठीक है, सभी भागों के अंदर। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 के फर्स्ट भाग में हमें क्या कह रहा है, ठीक है, वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे हमारे पास, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के लिए हम वही है, एक रेखा खींचते हैं हमारे पास, ठीक है, आपको दी गई, हम अपनी तरफ से क्योंकि दिए हैं तो इसके अंदर से 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा इन्होंने, हमने एक लाइन खींच दी, ए बी रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। अभी इस ए बी रेखाखंड के ऊपर हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे हमारी, ठीक है, चाप की च्वाइस है आपकी पास, ठीक है, कम ज़्यादा जितनी मर्जी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है, आपके पास ये आ गई, आपने पहली चाप लगा दी 60 की होगी, 60 पर रखकर आप दूसरी चाप लगा देंगे, क्योंकि 60 75 डिग्री का कोण 60 से बड़ा होता है, तो इसलिए हमें ये तो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब 60 और 120 का आ गया हमारे पास, ये 60 की चाप है, ये 120 की चाप है, इनको नाम दे देंगे आप, जैसे इसको सी नाम दे दिया, ये डी बिंदु हो गया और ये ई बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे हम, 75 का कोण बनाना है हमें, 60 और 90, जैसे 90 का कोण होता है, 60 और 90 के बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा कोण हमारे पास, तो हम 90 का कोण बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि 60 और 90 का, 60 से और 120 से हम 90 का कोण बनाएंगे। अपने आधे से वही प्रकार को कम ज़्यादा करना चाहे कर सकते हैं, नहीं उतनी ही रखना चाहे उतनी भी रख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है आपका। अपने यहाँ पर रखी, ठीक है, बिंदु डी पर, और चाप लगा देंगे, ठीक है, ये चाप हमने ताकि दूसरी तरफ भी चाप लग जाए, वो चीज़ हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ से इस, मान लीजिए ई एफ तक हो चुके हमारे पास, इस बिंदु को आपने एफ नाम दे दिया, ठीक है, अभी इस ए और एफ बिंदु को मिलाते हुए आपने एक रेखा खींच देंगे, क्योंकि हमें 90 का कोण तो चाहिए नहीं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चनों में किया है, आपको जिस कोण तक पहुंचने के लिए दूसरे कोणों के लिए लाइनें खींचनी ही खींचनी पड़ी, तो उन सभी में क्या करें, उन सभी को डॉटेड लाइन खींच लें, मतलब कि वो जरूरतमंद में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन में 22.5 डिग्री का करना हो, तो आप इस लाइन को 90, 90 से 45, 45 से 22.5, ठीक है, इन दोनों लाइन्स को आप क्या ले लें, कच्ची लाइन ले लेंगे, ठीक है ना, रफ लाइन्स में ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, आपके पास ये बिंदु, इस चाप को ई एफ और ये बिंदु जी हो गया, अब हम डी और जी का समद्राज खींचेंगे, डी से मैंने चाप लगा रखी है, जी से चाप और लगा दूंगा, यहाँ पर रखेंगे आप, ठीक है, ये चाप लग गई आपकी, ये चाप लगने के बाद, ठीक है, जिस भी चाप पर वो आपको इसमें मिली हैं, मान लीजिए ई एफ जी हो गया, तो इस बिंदु को मैं एच नाम दे देता हूँ, ठीक है, अब आप ए और एच को मिला देंगे, ठीक है, ए और एच बिंदु को मिला देंगे आप, तो आपके पास जो ये रेखा बन जाएगी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 75 डिग्री का कोण हो गया, क्लियर। हमारे पास हमारा ये क्या होता है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आगे सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे क्या दे रहा है आपको, सेकंड पार्ट में कह रहा है 105 डिग्री का कोण बनाएं। 105 के लिए भी बिल्कुल यही चीज़ आपकी रहेगी, ठीक है, पहले आप 60, 120, 120 से 90 का बनाएंगे, क्योंकि 105, 90 और 120 के बीच में आएगा, ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन के ऊपर इसी फिगर का यूज़ करके फिर 105 का बना रहे हैं, तो 75 का बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं सोचे कि 75 का भी बनाना होगा हमें, मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस के समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब 105 का बनाना है आपने, यहाँ पर रखेंगे प्रकार, ठीक है, हमारे पास आपकी ये प्रकार चाप लगी हुई है पहले, फिर 90 वाले बिंदु पर रखेंगे, बिंदु जी पर, ठीक है, यहाँ से आपके पास देखेंगे, अगर आप देखते हैं, ठीक है, ये कट गई आपके पास, दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं आपके पास देखें, एच बिंदु आप मैंने नाम दे चुके हैं, मान लीजिए इस तरफ आपका एच था, ये आपके पास क्योंकि ये तो बनाना नहीं होगा आपने, ये वाला ही बनाएंगे, तो आप इसको एच नाम बिंदु नाम दे देंगे, ठीक है, इसको बिंदु एच नाम दे दिया। अब हमारे पास वही काम करेंगे, क्या चीज़, हम एच और ए बिंदु को मिलाते हुए हमारे पास रेखा मिला देंगे, ठीक है, ए बिंदु को और एच बिंदु को, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपने एक रेखा खींच देनी है, ठीक है, आपने ये रेखा खींच दी, ये रेखा जहां से गुजर गई, ये आपके पास क्या होगा, 105 डिग्री का
कौन हो गया हमारे पास, ठीक है 105 डिग्री का हो गया, मतलब ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है आपके पास। अब आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट, हमें क्या करना है 135 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है फोर्थ के थर्ड पार्ट के अंदर। अब इसके फोर्थ के थर्ड पार्ट के अंदर जब 135 डिग्री का क्वेश्चन बनाना है हमें, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वही चीज़, ठीक है आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी, आपने एक रेखा खींची, ठीक है आप एक रेखा खींच लेते हैं, सीधी रेखा सरल रेखा, ठीक है जिसको आप अपनी तरफ से नाम दे देंगे, आपने मान लीजिए इनको नाम दे दिए ए और बी नाम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद बिंदु ए पर आप क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, क्योंकि 135 डिग्री का कोण बनाना है आपको चौथे क्वेश्चन के तीसरे भाग में, वो 120 से बड़ा होता है, ठीक है तो आपको कम से कम तीसरी चाप तक की जरूरत महसूस होगी, तो उस चीज़ के कारण हम तीसरी चाप तक भी जाएंगे। आप यहाँ से चाप लगा लेते हैं वृत्त की, ठीक है ये चाप लगा लिया आपने, यहाँ पर आपके पास जहाँ भी ये टच करेगी उस बिंदु से आप पहली चाप लगाएंगे 60 डिग्री की, फिर 60 डिग्री से हम दूसरी चाप लगाएंगे, ठीक है 120 की आ गई हमारे पास, फिर 120 से हम तीसरी चाप लगाएंगे, ठीक है ये हमारे पास तीसरी 180 की चाप होगी। अब आप इनको नाम दे देते हैं, मान लीजिए बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी हो गया, ये बिंदु ई हो गया और ये बिंदु एफ हो गया आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है, इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है या तो आप 90 का बना दें, 90 और 180 का आधा कर देंगे तो हमारे पास 135 बन जाएगा, ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप 90 और 180 का आधा कर देते हैं तो वो 270 बनता है, और 270 का आधा हमारे पास क्या बनता है 135 डिग्री बनता है, ठीक है एक तरीका तो आपके पास ये आता है कि 135 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या आता है, आप क्या करें 120 और 180 से आधा, 120 और 180 का आधा करेंगे, समद्विजक करेंगे मतलब दोनों का जोड़ करके 300, 300 का आधा 150 हो जाएगा, ठीक है फिर 150 और 120 का आधा कर दें, 120 और 150 का आधा कर देंगे 270, फिर 270 का आधा करके कितना हो गया हमारे पास 135 डिग्री, ठीक है ये बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ दोनों ही चॉइस है, आप जैसा मर्जी चाहें कर सकते हैं, ठीक है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस 90 पर ज़्यादा हो चुकी है, हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको 90 से भी दिखा रहा हूँ करके, ठीक है और 135 पर भी करके दिखाऊंगा, दूसरा 150 पर भी, पहले मैं 90 पर कर रहा हूँ। 90 पर आपके देखिए आपने चाप लगा दी, यहाँ रखिए आपने चाप लगा दी, ठीक है दोनों चाप को मिलाने वाली आप रेखा खींच देंगे हमारे पास, चाप खींच दी आपने, मान लीजिए बिंदु जी पर मिलती है और ये बिंदु आपका एच हो गया, ठीक है अब एच और एफ का समद्विजक खींचेंगे, उसके लिए वही चीज़ हमारे पास आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना, ठीक है या जितनी प्रकार है उतनी ही चाप लगा लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। बिंदु एफ से लगा ली, फिर बिंदु एच से लगाएंगे हम, एच से चाप लगा दी हमने, ठीक है दोनों जहाँ कट गई आपस में, ठीक है वो हमारे पास क्या हो गया हमारा बिंदु एच तक आ चुके हैं, तो बिंदु आई नाम दे देते हैं उसको, आप ए और आई को मिला देंगे, ठीक है आपने ए और आई को मिलाया, सॉरी शिट यह लाइन थोड़ी सी ब्रेक कर गया, मैं सीधी लाइन जानी थी, ठीक है ये आपके पास हो जाएगा, ये बिंदु हमारे पास क्या आ गया, ठीक है एच आई, ये आपके पास 135 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है मीन चौथे क्वेश्चन का तीसरा भाग। ये आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से जो मर्जी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जैसे एक पहला तरीका तो ये होगा, दूसरा तरीका हम देखते हैं हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए आपने 120 जैसे यहाँ 60 और 120 का आधा 90 किया, 90 की जगह फिर आप क्या करेंगे 120 और 180 का आधा करेंगे 150, यहाँ से लाइन जाएगी आपकी, ठीक है फिर 120 और 150 का समद्विजक खींच के आपके पास 135 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है देखिए हमारे पास दूसरी विधि से, ठीक है कि किस प्रकार से करना है, आपने वही लाइन खींच देंगे सबसे पहले, तो रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है ए बी एक रेखाखंड खींचा हमने, ठीक है मान लीजिए इसको हमने ए बी नाम दे दिया, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है इस पर चाप लगाएंगे हमारे पास, ठीक है आपने चाप लगा देनी है इस पर, ठीक है ये चाप लगा दी,
यहाँ पर रखकर आपके पास पहली चाप काटेंगे, ये 160 की होगी, फिर 60 वाली चाप पर काट कर दूसरी काटेंगे 120 की हो जाएगी, फिर दूसरी पर रखकर तीसरी चाप को काटेंगे हमारे पास, ठीक है, वो हमारी 180 की चाप हो जाएगी। अच्छा ख्याल रखेंगे कई क्या करते हैं, जैसे इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहाँ से पहली 60 की चाप दूसरी चाप इधर से खींच देते हैं, वो गलत है, प्रोसेस गलत है वो, ठीक है ना, इस बात का हमेशा ख्याल रखें, वो प्रोसेस गलत है आपका। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहली चापी आपने इधर लगाई दूसरी चाप इधर से लगाई, ठीक है, वो भी 60 की होगी, फिर इन दोनों का आधा करके 90 का कोण बनाना था, बना लिया, ठीक है, आपका 90 का क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सही है, लेकिन करने का प्रोसेस गलत है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपके आंसर से साथ 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 आपके प्रोसेस की भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही आपकी हर जगह ठीक होती है, ठीक है। मैं प्रोसेस की बात क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए अगर आप 16 को 64 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपके पास कट कर 1/4 आता है, आप 166y को 664 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कैंसिल होकर 1/4 आएगा, आप 1666 को 6664 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कटने पर 1/4 आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर, मैंने अभी देखो काट कर दिखाया नहीं, अगर आप ये दिमाग के अंदर एक प्रोसेस बैठा लें, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं 17/75 को अगर आप काटेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ठीक है, मान लीजिए अगर आपने इस प्रोसेस को प्रोसेस ना देखकर आंसर आपका सही है, आपने ये प्रोसेस कर लिया कि 66 ये चीज़ें, ठीक है, कि मेरा ये 1/4 आ जाएगा यहाँ से, वो गलत हो गया, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा कैंसिल हुआ है, ठीक है, आपस में, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर यही प्रोसेस यूज़ कर दिया तो आपके अकॉर्डिंग तो 1/5 आ जाएगा, जबकि 1/5 क्या है, गलत है, ठीक है ना, 1/5 जो आपका आंसर बनेगा वो गलत हो गया, क्योंकि आपके प्रोसेस में मैं गलती थी, ये मिस्टेक थी, ठीक है। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ हमें प्रोसेस का बड़ा खास ध्यान रखना है, ठीक है। आपने जैसे ही कर लिया, अब 120 और 180 का हम आधा करेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, 120 के ऊपर रखेंगे, ठीक है, आपके पास जहाँ ये दोनों मिल गए, मान लीजिए इनको नाम देने हैं, अगर आपने सी डी ई एफ, ये दोनों जहाँ मिल गया आपके पास, बिंदु जी हो गया, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, बिंदु ए और बिंदु जी को मिलाएंगे, क्योंकि आपके पास ये 150 का कौन बनेगा, ये तो आपका आंसर नहीं है, आपको यहाँ तक तो पहुँचना नहीं था, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस लाइन को डॉटर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास, क्योंकि इसके साथ साथ आपको मतलब कि अब हम 135 तक पहुँचना है, 135 तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास उसी प्रोसेस के अंदर चलते हुए 120 और 150 का समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है, यहाँ अपने प्रकार रखी और ये चाप काट दी, क्योंकि दूसरी तरफ से मैंने चाप लगाई रखी है, ठीक है, इसको बिंदु जी और नाम दिया तो इसको बिंदु एच नाम दिया, मतलब एच और ई से चाप लगा ली हमने, और जहाँ पर ये आपस में मिली वो बिंदु आई हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ए और आई बिंदु को मिला देंगे, ठीक है, ए और आई बिंदु को मिलाएंगे तो आपके पास ये क्या होगा, 135 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, 135 डिग्री का कोण आ गया, मतलब चौथे क्वेश्चन का हमारा तीसरा भाग हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11.1 का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, उसको हम किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन 5 से पहले 3 और 4 का भी ध्यान दें, 3 में आपको निम्न मापों के कोणों की रचना करने के लिए कहा था, चौथे क्वेश्चन में कोणों की रचना करने के साथ साथ उसको चांद द्वारा मीन्स डी की सहायता से जांच करने के लिए भी कहा गया था, ठीक है ना, वो डी से आप एक्चुअल में माप कर देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन सही बने हैं या नहीं बने, ठीक है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जब इसकी भुजा दी हो और कारण सहित रचना भी कीजिए, ठीक है। अब हमें तो समबाहु त्रिभुज बनानी है, मैं इस तरफ से का स्केल की साइड यूज़ कर लेता हूँ जहाँ मुझे पता नहीं है कि कितने सेंटीमीटर की मैं भुजा खींच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बीच में से कहीं से भी, ठीक है, मैंने लगाकर ये लाइन खींच दी, ये मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर भुजा दी नहीं गई है तो इसी भुजा को मैं मान लूँगा मेरे पास ए बी, ठीक है, ये दी हुई भुजा मान लूँगा। अब इस दी हुई भुजा से कैसे खींचेंगे हम, ठीक है, आपको करना क्या होगा, इस बिंदु ए पर रखकर इस बिंदु बी जितनी प्रकार को खोलेंगे, ठीक है, प्रकार को उतना ही खोलने के बाद आपने इस ए बिंदु पर रखकर आपने चाप ऊपर की तरफ लगा देनी है, ठीक है, ये चाप लगा देंगे आप,
चाप लगाने के बाद हमारे पास क्या करेंगे, बिंदु बी पर आगे करेंगे, बिंदु बी से भी चाप लगाएंगे, ठीक है, उतनी ही प्रकार खुली रहेगी आपकी, ठीक है। जहाँ पर आपस में दोनों चाप कट गई, आप देख रहे हैं हमारे पास दोनों चाप जहाँ कट रही हैं, वो बिंदु हमारे लिए सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इस बिंदु सी से, ठीक है, इस बिंदु सी को हम बिंदु ए और बिंदु बी से मिला देंगे। जैसे मान लीजिए बिंदु बी है और ये आपके पास बिंदु सी हो गया हमारे पास, ठीक है। बिंदु बी और बिंदु सी को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, हमारी रेखा होगी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे, बिंदु सी और बिंदु ए, इन दोनों को मिलाते हुए, ठीक है, हम रेखा खींच देंगे अपनी पेंसिल से, ठीक है। मैं यहाँ स्केच यूज़ कर रहा हूँ, जब आप करेंगे तो आपके पास पेंसिल होगी, पेंसिल से एक ही कलर आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी क्लास को एक्टिव करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, आपको देखने में कलरफुल लगे, ठीक है, उस चीज़ के कारण मैंने अलग अलग स्केचों का यूज़ किया है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे, ठीक है, और इन सभी की रचना मेरे हिसाब से आप सभी को बनानी आ गई होगी। फिर भी किसी प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम पेंडिंग रह जाती है, ठीक है, तब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में और बातें मैं आपको बता दूंगा। इनकी रचना के जैसे आप बनाते हैं उसी ढंग से इसकी रचना लिखेंगे, ठीक है, और फिर भी रचना लिखने में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरी पिछली वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों की जाँच कैसे करेंगे, इनके कोनों की, जो जो हमें जाँच करने के लिए कहा गया है, ठीक है, तो उस सभी की वर्णन मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।